क्या आप पैनिक अटैक के शिकार तो नहीं है? इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का मुझे फोन आया और उनका कहना था कि उसको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है। जब उसको डिटेल मैंने पूछा, इंटरव्यू लिया, तो काफी सारे बातें मालूम हो गई, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। उसका कहना यह था कि मुझे कम से कम 10 मिनट चलने वाला ये अटैक होता है, 10-15 मिनट चलता है ये अटैक, और ये अटैक आने के बाद में इतनी घबराहट होती है, सीने में धड़कन, हाथ कांपना, पसीना तरा जाना, बेचैनी, इधर से उधर, उधर से इधर जाना, सीने में दर्द, ऐसा लगता कि भाई हार्ट अटैक आ गया, ऐसा लगता कि कुछ तो भी अभी हो जाएगा अपने आप को और मैं मर जाऊंगा, कुछ तो भी होगा, मतलब उसको मालूम नहीं था कि कहाँ क्या होगा, कुछ तो भी हो जाएगा। फिर पेट में मरोड़, बहुत जल्दी यूरिन ज़्यादा लग जाएंगी, लेटरिन भी लग जाएगी, और फिर उसको समझता नहीं क्या करूँ, भागम भाग करेंगा, कहीं तभी देखेंगा कि कोई डॉक्टर के पास में जा सकूँगा, हॉस्पिटल में जा सकूँगा, किसको पकड़ के रखूँगा। इतना ज़बरदस्त अटैक उसको आता है और उसने बोला है मुझे अटैक कभी कभी दिन में 2 बार भी आता है। तो ऐसे अटैक जब आते हैं और वो 10 मिनट से ज़्यादा ऐसे अटैक आते हैं और 1 महीने से ज़्यादा यदि बीमारी है तो वो पैनिक अटैक उसको कहलाते हैं कि ये पैनिक अटैक है। और लोग काफ़ी परेशान हैं पैनिक अटैक से, काफ़ी लोगों को बिना कुछ वजह ऐसे अटैक आते हैं, कोई कारण नहीं है, ऐसे अटैक एकदम आते हैं और पूरी तरह सब जांच करने के बाद में ये लोग फिजिशियन के पास में जाते रहते हैं, कार्डियोग्राम्स निकालते रहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करते रहते हैं, उनके पास में बहुत बड़े बंडल रहते हैं फाइल्स के कि भाई सब तरह जांच कर लिया और फिर आखिरी कुछ नहीं है ऐसा बोल के डॉक्टर लोग उनको टाल दिया, तो फिर हमारे पास में आते साइकेट्रिस्ट के पास में, देखा तो सब नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, 2D इको नॉर्मल है, एंजियोग्राफी नॉर्मल है, सब पूरे कंप्लीट ऑल टेस्ट सब नॉर्मल, पर तभी भी उसको प्रॉब्लम है। तो फिर करना क्या है? तो इसका रिलेशन एक तो बॉडीली कुछ तो भी हो सकता है कि नेचुरल आपके हार्मोनल लेवल्स पे और न्यूरोनल पैटर्न्स पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गई जो अभी तक डायग्नोज नहीं कर पाए एज ए साइंटिफिक पर्सन और एज ए डॉक्टर। दूसरा ये है कि कुछ तो भी गड़बड़ी बचपन में हुई है जिसके वजह से उसको एक धौस डर जैसा बैठा हुआ है और उसके वजह से वो उसको अटैक आते रहते हैं। एनीवे उसको यदि अटैक से ठीक करना है तो हम उसको तुरंत फायदा होने के लिए मेडिसिन देते हैं, उसमें SSRI देते हैं, फिर उसमें प्रोपानोलोल देते हैं, अल्प्राजोलाम भी कभी कभी देते हैं, कभी सारी दवाइयाँ हैं कि वो देते हैं जिससे उसका अटैक जो है, और क्लोनेजेपाम देते तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है क्लोनेजेपाम से, तो क्लोनेजेपाम जबान के नीचे रखने के लिए देते हैं, उससे अटैक सबसेट हो जाता है। मगर परमानेंट इलाज जो है वो है साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, स्वसम्मोहन उपचार, और हिप्नोथेरेपी में विजुअलाइजेशन कि भाई ऐसा अटैक आ गया और आप रिलैक्स हो, अटैक आ गया आप रिलैक्स है, जब वो विजुअलाइजेशन करता है तो न्यूरोनल पैटर्न्स नए सिरे से बनते हैं और उसमें से उसको राहत मिल जाती है। तो ऐसे इस तरह के काफ़ी लोग अपने समाज में हैं जो इसके वजह से इनकैपेसिटेट हुए हैं, वो घर के बाहर निकल नहीं सकते, बाहर जाते नहीं, उनको लगता कभी भी कहीं भी अटैक आ गया तो मैं कहाँ किसकी मदद लूँगा, कौन सपोर्ट करेगा, और फिर वो ना पारिवारिक सुख है, ना कोई व्यवहारिक सुख है उनको, ना कोई सामाजिक सुख है, सभी तरह परेशान रहते लोग, उनका इलाज होना जरूरी है। इनका इलाज हम करते हैं तो ये खुद उनका जीवन अच्छा बिता सकेंगे और अपना देश भी आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।